एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको निकाल लेते हैं एक पतीले में। दूध में एक उबाल आने देंगे। एक कप मिल्क पाउडर और यहाँ पे आधा कप दूध मैंने पहले निकाल के रख लिया था, तो इसमें ये मिला देंगे। सूखे दूध के मिक्सर को दूध में मिला देंगे। आधा कप पिसी हुई चीनी, अच्छे से मिला देंगे। इसको 2 मिनट और पकाऊंगी दूध और चीनी के साथ। दूध का पाउडर था और पिसी हुई चीनी को 2 मिनट और पकाएंगे दूध के साथ। आधा कप दूध और मैंने पतीले में से निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा कर लिया क्योंकि वो गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर। और 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर। मैंने आधे कप दूध में 3 चम्मच भर के डाला है कस्टर्ड पाउडर और 1 चम्मच भर के डाला ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक भरकर डाला है मैंने कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। और अब इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध पक चुका है, काफी अच्छा उबाल आ गया इसमें और मैंने मीठा कम इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा मिल्क पाउडर है वो भी काफी मीठा होता है, तो इसलिए मैंने आधा कप ही चीनी का यूज करा है। अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डालेंगे और तुरंत ही मिलाएंगे। कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे इसको। ये गाढ़ा होने लगा है, 2 मिनट हो चुके हैं। इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाया है मैंने ताकि नीचे से लगे नहीं। और ये पक चुका है, काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है। गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था। अभी इसको हम मिक्सी में डाल के 1 से 2 बार घुमाएंगे और काफी अच्छी जम चुकी है। अभी आप देख रहे हो ना, काफी अच्छी जम चुकी है, अभी काफी ठंडी हो चुकी है। अब इसको 1 से 2 बार घुमा लेंगे। चलिए घुमा लेते हैं। इसमें मिलाएंगे हम ओरियो, इसको क्रश कर लिया। ओरियो को अच्छे से मिला देंगे आइसक्रीम में। आप मैंगो फ्लेवर भी बना सकते हो इसको, नॉर्मल वनीला भी रख सकते हो, ओरियो बना सकते हो, ऑरेंज फ्लेवर बना सकते हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, टूटी फ्रूटी जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो फ्लेवर बना सकते हो। मेरे घर में ओरियो फ्लेवर ज्यादा पसंद किया जाता है, मैंगो से भी ज्यादा, तो इसलिए मैं ओरियो आइसक्रीम ज्यादा बनाती हूँ। और 1 लीटर दूध में आप देख सकते हो ढेर सारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। मिला दी अच्छे से और ऊपर से डालूंगी मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ताकि अच्छा कलर आए इसमें और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और
ना करते हुए अब इसको बंद करके फॉइल पेपर से या कोई ढक्कन हो इसके ऊपर वो लगा सकते हो और इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में 6 से 7 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट। फ्रेंड्स आइसक्रीम जमकर रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमकर रेडी है और लुक देख सकते हो आप इसका कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है क्योंकि मेरे पास वो आइस कूपर नहीं है, उससे मैं इसको ऐसे बना नहीं सकती ना, वो गोले से बन जाते हैं जो, तो इसलिए मैं इसको चम्मच से ही करके दिखा रही हूँ और बहुत ही ज्यादा अच्छा टेक्सचर और खाने में तो टेस्टी है ही है, बिल्कुल मलाई कुल्फी बनकर रेडी है आइसक्रीम। चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे गोले बना लिए हैं और इसको अच्छा लुक देने के लिए और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देते हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप भी बनाकर खाना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको एक बार ऐसे कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई, देखो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आइसक्रीम है, घर पे बनाना बिल्कुल आसान है, बेसिक सी चीजों से बन जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।